हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका आज फिर एक बार अपनी नई वीडियो के साथ आप सबके सामने। आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमी वाली बुक चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी कि हमारे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर 1950 से पहले वाली बातें बताता है, सेकेंड चैप्टर हमें 1950 टू 1990 की सारी स्टोरी बता रहा है, और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1990 के बाद की सारी स्टोरी। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। ये हमारी 12th क्लास की थियोरेटिकल बुक इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखिए बच्चों, इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, उसमें जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, उनके जाने के बाद एक बार हम लोग बहुत ज्यादा हिल गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे देश को कंट्रोल किया हुआ था, सारी चीजें उनके हाथ में थी। एकदम उनके जाने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, किस तरीके से हमारा ट्रेड होगा, कैसे हमारा देश चलेगा। तो उस दौरान हमारे कुछ लोगों ने, हमारे कुछ जो अच्छे अच्छे लोग थे हमारे देश के मिनिस्टर्स वगैरह एंड ऑल दैट, उन लोगों ने काफी कोशिश की देश को किसी तरीके से समेटने की, और उन्होंने 3 साल लगाए देश को एक डायरेक्शन देने में, और 1950 में 1950 में जाकर एक कमीशन सेट हुई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। हमारे देश में उस टाइम की जनसंख्या थी 36 करोड़। अब 36 करोड़ की जनसंख्या को काबू करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्लानिंग की जरूरत थी, तो उस प्लानिंग को करने के लिए उन्होंने कमीशन बनाई, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन सेट हुई थी हमारी 15 मार्च 1950 को। कभी कभी 1 मार्क पर मैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन कब सेट हुई थी, ये सेट हुई थी 15 मार्च 1950 में। अब इस प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, ये प्लानिंग कमीशन जो है उसका काम था प्लान्स बनाना, देश के लिए प्लानिंग करना। उस प्लानिंग को कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, प्लानिंग अबाउट द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे ताकि उससे अपने देश की डेवलपमेंट की जा सके, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग। तो जिस तरीके से देश की डेवलपमेंट हो सकती है, रिसोर्सेस को किस तरीके से यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, और ये करना हमारी प्लानिंग कमीशन का काम था। अब प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान्स बनाना, और वो प्लान कितने तरीके के होते थे, आपके 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। 1 ईयर प्लान को हम एनुअल प्लान के नाम से भी जानते हैं, एनुअल प्लान बनाए जाते थे 1 साल के लिए, फिर बनते थे 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान होते हैं जो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, और फिर बनते थे रोलिंग प्लान्स, रोलिंग प्लान्स हम लॉन्ग टर्म प्लान जिसको जो 20 साल के लिए बनाए जाते थे। अब हमारा मेन जो फोकस होता था वो 5 ईयर प्लान के ऊपर होता था। 5 ईयर प्लान में हम ये डिसाइड करते थे, हमारी प्लानिंग कमीशन ये डिसाइड करती थी कि 5 ईयर्स में क्या क्या काम किए जाएंगे, किस किस सेक्टर को कितना कितना रिसोर्सेज मिलना चाहिए, कितना फंड कहाँ पर लगाया जाएगा। अब 5 ईयर प्लान इन केस कभी फेल हो भी जाता था किसी भी कारण से, किसी मिनिस्टर की डेथ होने की वजह से या कोई भी कारण से, तो उस टाइम पे एनुअल प्लान बना दिए जाते थे, उस प्लान को कन्वर्ट करके एनुअल प्लान बना दिया जाता था। कई बार हुआ हमारी 50 ईयर्स की प्लानिंग के बीच में ये। अब हम बात करते हैं आगे एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये जो प्लानिंग कमीशन है अब इसको बदल दिया गया है, ये प्लानिंग कमीशन जो है इसका नाम बदल के नया नाम रख दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग जो नई कमीशन बनी है ये सेटअप हुई थी 2015 में, 1 जनवरी 2015। अब इस आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा कि ये नीति आयोग क्यों बनाई गई है, प्लानिंग कमीशन का नाम क्यों चेंज कर दिया गया। देखो, प्लानिंग कमीशन जो था उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता था, इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने के लिए इन्होंने एक नई कमीशन सेट की, नीति आयोग। तो ये नीति आयोग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इट कुड कम इन 1 मार्क क्वेश्चन कि नीति आयोग कब सेट हुई या प्लानिंग कमीशन का न्यू नेम क्या है। अभी हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए, हर प्लान को बनाने के पीछे 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और एक होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब प्लान्स के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो देखिए टेम्पररी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। अगर आपका आपको इस प्लान में फोकस करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ज्यादा फंडिंग करेंगे। अगर आपको ट्रेड के ऊपर फोकस करना है तो आप ट्रेड पे ज्यादा फंडिंग करेंगे। ये चेंज होता रहता है हर प्लान के साथ।
बट कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हर प्लान के साथ चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो कोई भी आपका प्लान चल रहा हो, चाहे एट चल रहा हो, चाहे सेकंड चल रहा हो, चाहे फोर्थ चल रहा हो, वो हर प्लान में सेम रहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? ऐसे ऑब्जेक्टिव हमारे चार होते हैं, दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये चार हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेट मी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है, बहुत ही एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बताऊंगी आपको, जीडीपी बढ़ना। जब एक देश की जीडीपी बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ का होना। एक देश की ग्रोथ तभी होती है जब उसका जीडीपी बढ़ता है। तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट मींस प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। ओनली प्राइसेस का बढ़ना ग्रोथ नहीं कहलाता, जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, इसीलिए उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो एक इकोनॉमी का हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसकी इकोनॉमी की जीडीपी कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहे ताकि उसके देश में ग्रोथ होती रहे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज मॉडर्नाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन डजंट मींस वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स एंड रोमिंग इन मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल दैट। ये सब चीजें मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन इज चेंजिंग ऑफ आउटलुक एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहाँ पर है जब आपका देश लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है, अच्छे अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है आपके देश में, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन कहेंगे। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना भी मॉडर्नाइजेशन का ही पॉइंट है, बट हम इसको एक वेस्टर्न आउटलुक से नहीं सोचेंगे। हम मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहाँ पर समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकली जब देश एडवांसमेंट की ओर जाता है तो उसको मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। Now the third point is self-reliance. What do you mean by self-reliance? देखिए यहाँ पर एक word है self-reliance. बच्चे अक्सर इसको self-sufficient भी लिख देते हैं, but self-sufficient is a wrong word. क्योंकि self-sufficient का मतलब होता है 100% trade relation cut कर देना किसी। No, self-reliance का मतलब होता है जब आप अपने देश के resources के ऊपर depend करते हैं most of the times, और in need ही आप किसी के साथ trade करते हैं। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। आप अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए खुद पर ही डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी की। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी इज नथिंग बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्लस हमारी जो तीनों सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, तीनों को बराबर तरीके से डेवलपमेंट करना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा फोकस रहा है इंडिया का हमेशा से, तो उसकी तरफ थोड़ा सा फोकस कम करकर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी डन। तो इक्विटी का मतलब सबको बराबर रखना, सारे सेक्टर्स को बराबर तरीके से डेवलप करना। तो ये चार हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसमें आपको अक्सर एक या दो पॉइंट एक्सप्लेन करना पेपर में कभी कभी आ जाता है, तो आपने इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है एक शॉर्ट नोट की तरह, जो लॉन्ग टर्म हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करेंगे आगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। देखिए जैसे कि हमने अपने चैप्टर वन में पढ़ा था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो बहुत ही बुरे हालात में था, स्टैग्नेंट था, और इट वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द जमींदारी सिस्टम एंड ब्रिटिशर्स एंड ऑल दैट। तो अब 1950 के बाद जब प्लानिंग चेंज हुई तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज तो उन्होंने किया होगा। तो वो क्या चेंजेस थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर 1950, वो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट जो चेंज था, जो आया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो था लैंड रिफॉर्म्स का। अब व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है जब आपकी लैंड के को लेके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स, चेंजेस डन बाय गवर्नमेंट। तो अब ये लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस किए इन्होंने? सबसे पहला चेंज किया इन्होंने सीलिंग। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग क्या होता है? देखिए पहले क्या होता था कि जिसके पास पैसा ज्यादा होता था वो ज्यादा पैसे देके ज्यादा लैंड खरीद लेता था। तो इससे क्या होता था, कुछ सेक्शन के पास एक्युमुलेशन हो जाता था लैंड का, कुछ सेक्शन के पास बिल्कुल लैंड नहीं होती थी। तो इससे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि उन्होंने सीलिंग कर दी पर पर्सन, कि हर एक पर्सन के पास इतनी एकड़ जमीन होगी। अब आप किसी को एक्स्ट्रा पैसे देके जमीन एक्स्ट्रा नहीं ले सकते थे, जिससे कि इक्वालिटी में काफी बढ़ावा मिला हमारे देश को। तो सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक बहुत ही अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से लैंड रिफॉर्म्स में। दूसरा हमारा चेंज था कंसोलिडेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन? कंसोलिडेट करना क्या होता है? इकट्ठा करना।
तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का क्या मतलब है? देखिए पहले क्या होता था कि जमीन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थी हमारे पास, लाइक मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा इस पॉइंट पे जगह पर है और दूसरी जमीन का टुकड़ा मेरे पास किसी और जगह पर है। तो अब अगर इस तरीके के दो तीन टुकड़े मेरे पास अलग अलग जगह पर है और मुझे उन सब पे कल्टीवेशन करना है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्टिंग तरीका है। साथ ही साथ ट्रैक्टर्स भी अलग अलग जगह पर, फर्टिलाइजर्स भी अलग अलग जगह पर, और मुझे फिर ट्यूबवेल्स वगैरह और जो इरिगेशन का सिस्टम है वो भी अलग अलग जगह तीन बार करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक चीज सोची कि क्यों ना इनको एक कंसोलिडेटेड लैंड दे दी जाए ताकि टाइम भी बचे और साथ ही साथ इनके एक्सपेंसेस भी बचे। तो इन्होंने क्या किया, हमारे साथ वाली जमीन वालों से बातचीत करके, हमारी आपस में मीटिंग कराकर और हमारे को आपस में लैंड को एक्सचेंज करवा दिया। जो मेरे साथ उसी जमीन के साथ वाली लैंड थी वो मुझे दिलवा दी और मेरी जो दूसरी जगह की लैंड थी उसके साथ उस पर्सन को वो जमीन दिलवा दी उतनी ही बराबर की। तो इससे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हो गई लैंड की, जिससे कि हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हर किसी का टाइम सेव हो गया। तो ये बहुत ही एक फॉरवर्ड स्टेप था जो जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हुई। थर्ड हमारा जो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया वो किया एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। उन्होंने जमींदारी सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया, जो एक्चुअल लैंड थी वो कल्टीवेटर्स के ही नाम कर दी, जिससे कि किसानों का जो हौसला है वो काफी बड़ा और उन्होंने अपनी लैंड में खुद ही काम करनी शुरू कर दी और उनके साथ एक फिक्सेशन कर दिया रेंट का कि 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस आपको रेंट के लिए देना पड़ेगा, बाकी 2/3 आप ही के पास रहेगा, जिससे किसानों को एक बहुत ही एनकरेजमेंट मिली क्योंकि लैंड अब उनकी खुद के नाम पर थी। अगला जो हमारा रिफॉर्म आया था एग्रीकल्चर सेक्टर का में, वो आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बारे में आप सबने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में भी। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी टेक्निक थी, एक ऐसा चेंज था हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में जिसने हमारे इंडिया को हिला के रख दिया था। आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा प्रोपोर्शनेट होने के बाद भी हमारे एग्रीकल्चर से उतना आउटपुट नहीं आता था जिससे कि हमारे देश का पेट भर सके, और जैसे कि ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन भी कर दिया था जिससे कि हमारा ट्रेड में भी काफी पोर्शन चला जाता था। तो इसलिए हमारे जो देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने HYV सीड्स की डेवलपमेंट करी। ये हाइब्रिडिंग वैरायटी सीड्स जो थे वो इतने टेक्निकली एडवांस सीड थे जिसके बोने से जो फसल थी वो 4 गुना तेजी से बढ़ी, और साथ में उन्होंने एक पैकेज प्रोग्राम बनाया साथ में जिसमें फर्टिलाइजर्स, मेन्योर्स, इरिगेशन और पेस्टिसाइड्स वगैरह का एक कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने एक पैकेज बना के दिया जिसको अगर एक साथ यूज किया जाए तो आपकी फसल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। तो हमने जब वो पैकेज लगाया अपने देश में तो हमारी जो फसल जो थी, हमारी जो कल्टीवेशन थी वो 4 गुना ज्यादा बढ़ी। पहले अगर सपोज हमारे देश में अगर 80 टन अनाज उगता था तो अब वो 320 टन अनाज उगने लगा एकदम से। तो ये आया था ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में। तो 1960s में ये रिफॉर्म शुरू हुआ था और उसके बाद 1966-67 में इंडिया एक एग्रीकल्चरल आपका सेटिस्फाइड इकोनॉमी बन गया था जिसमें हमारा इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया था कि हमें किसी से भी हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये 4 जो हमारी क्रॉप्स है उसमें मेन इसका एम्फेसिस था, वीट, राइस, जूट एंड शुगर केन। ये 4 क्रॉप्स पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी था कि इसका जो इफेक्ट था वो मोस्टली 3-4 स्टेट्स में ही आया, वो था पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। हमारे 4 क्रॉप्स और 4 स्टेट में ही इसका इफेक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई कि हमारी रीजनल इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर काफी अराइज हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ सब्सिडीज की। अब एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन्होंने ये भी किया था कि सब्सिडी इंट्रोड्यूस की थी। अब ये सब्सिडी क्या है, सब्सिडी मैंने आपको बताया था कैश ग्रांट्स होते हैं। कैश ग्रांट्स जो होते हैं वो डिस्काउंट्स होते हैं जो फार्मर्स को दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों को सब्सिडी देनी शुरू की ताकि उनको एनकरेजमेंट मिल सके कि किस तरीके से उनको अपनी फसल को बढ़ाना है। अब छोटे छोटे फार्मर्स को अगर सब्सिडी मिलेगी तो डेफिनेटली उनको एनकरेजमेंट मिलेगा काम करने का। तो इस वजह से उन्होंने सब्सिडी इंट्रोड्यूस की। आजकल बेशक ये डिबेटेबल इशू है क्योंकि आजकल कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को ये चैलेंज किया है कि आपको सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए बिकॉज इट इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द इकोनॉमी। और फिर दूसरी बात ये भी है कि जो ये सब्सिडी दी जाती है ज्यादातर जो रिच फार्मर्स होते हैं, जो प्रॉपर डेवलप्ड फार्मर्स हैं उनको इसका जो फायदा है वो मिलता है, जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं उनको तो पता ही नहीं चल पाता कि उनके लिए क्या क्या हक
हमारे सरकार ने दिए हुए हैं। तो इस वजह से सब्सिडी एक डिबेटेबल इशू भी है आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो बेसिकली ये हमारे जो है वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे जो 1950 के बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके बाद हमारे इंडस्ट्रियल सेक्शन में क्या क्या चेंज आया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंज आया, इसको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। और इसके अंदर दो चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड आईपीआर 1956, जिसमें ऐसे एक कंफर्म क्वेश्चन जरूर आता है हमारे एग्जाम में। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज करें, और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई डाउट आए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।